रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है। हर साल इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार में बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधते हुए उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई बहन को उपहार देते हुए हमेशा उसकी रक्षा करने का संकल्प लेता। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 अगस्त दो दिन मनाया जाएगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व हमेशा ही भद्रा रहित काल में मनाया जाता है। रक्षाबंधन के त्योहार पर इस वर्ष भद्रा का साया रहने से राखी कब बांधना उचित होगा, रक्षाबंधन का सही तिथि क्या है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आइए जानते हैं। रक्षाबंधन 2023 पर रहेगा भद्रा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि और अपराह काल में मनाना शुभ होता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल नहीं होना चाहिए। अगर रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहे तो भाई की कलाई में राखी नहीं बांधना चाहिए। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस वर्ष 30 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा तिथि के साथ भद्रा काल शुरू हो जाएगी। 30 अगस्त को भद्रा रात 9:02 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल के दौरान रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता है। वहीं राखी बांधने के लिए श्रावण पूर्णिमा तिथि में दोपहर का समय सबसे शुभ समय होता है, लेकिन इस साल रक्षाबंधन के त्योहार की श्रावण पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त से लग रही है और पूरे दिन भद्रा का साया रहेगा। इस तरह से 30 अगस्त को दिन के समय रक्षाबंधन का मुहूर्त नहीं रहेगा। 30 अगस्त को भद्रा रात 9:02 तक रहेगी। ऐसे में 30 अगस्त को रात 9:02 के बाद राखी बांधी जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रात के समय राखी बांधना शुभ नहीं होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा की तिथि 7:05 तक रहेगी और इस दौरान भद्रा का साया नहीं रहेगा। इस कारण 31 अगस्त को सुबह सुबह राखी बांधना शुभ होगा। रक्षाबंधन 2023, क्या करें और क्या न करें। रक्षाबंधन का त्योहार हमेशा भद्रा रहित काल में ही मनाएं। रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। स्नान के बाद सूर्यदेव को जल देते हुए अपने कुल देवी और देवताओं का स्मरण करें और आशीर्वाद लें। इसके बाद शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए राखी की थाली को सजाएं। तांबे या पीतल की थाली में राखी, अक्षत, सिंदूर, मिठाई और रोली जरूर रखें। अपने कुलदेवता को रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र को समर्पित करते हुए पूजा संपन्न करें। राखी बांधते हुए इस बात का ध्यान रखें कि भाई का मुख पूर्व दिशा में हो। बहनें सबसे पहले भाई के माथे पर तिलक लगाएं और फिर कलाई पर राखी बांधें। बहनें भाई के दाहिने हाथ पर राखी बांधें। इसके बाद बहन भाई एक दूसरे को मिठाई खिलाएं।